तो दोस्तों, क्या आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं? तो बॉस, आपको भी पता होगा प्राइवेट कंपनी में कैसी घिसाई होती है। जब तक आपका बॉस आपका खून नहीं चूस लेता ना, तब तक आपको छोड़ता ही नहीं है। और हर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले कर्मचारियों की भाई ऐसे ही हालत है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में एक ऐसी भी कंपनी है जहाँ का मालिक हर साल अपने कर्मचारियों को महंगे महंगे तोहफे देता है, कभी लग्जरी गाड़ियाँ, कभी महंगे महंगे फ्लैट्स, तो कभी डायमंड ज्वेलरी, तो आप भी कहेंगे क्या बकवास कर रहा है यार। तो भाई, ये बकवास नहीं है, बिल्कुल सच है। लेकिन भारत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट की एक कहानी भी है। कहानी ऐसी है कि ये तो है भारत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट, बेहद रईस, लेकिन इनका लड़का कोची में एक छोटी सी दुकान में मजदूरी का काम करता है। जी हाँ, आइए आपको इनकी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये कंपनी है हरी कृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक हैं सावजी धनजी ढोलकिया। आप में से कई लोगों ने इनका नाम कई बार सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन्होंने 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी। जी हाँ, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही किसी अमीर खानदान से हैं, बल्कि आज ये जो कुछ भी हैं अपने दम पर हैं। तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनका जन्म 12 अप्रैल 1962 को गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट में हुआ। माता पिता किसान थे और पैसों को छोड़कर इनके पास सब कुछ था, और पैसा ना होने की वजह से इन्हें पता था बॉस गरीबी क्या है। लेकिन इनके साथ एक अच्छी चीज़ थी, इनके एक अंकल सूरत में रहते थे जो डायमंड पॉलिशिंग का काम करते थे, और हर वक्त सावजी ढोलकिया यही सोचा करते थे कि इन्हें एक दिन अपने अंकल की तरह बनना है। इसके बाद जब भी ये अपने अंकल को देखते थे तो इन्हें यही लगता था कि भाई, बनना है तो इनकी तरह बनना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। बस ये सपने बुनते रहते थे, और एक दिन इनका सपना परवान चढ़ गया। इन्होंने 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिताजी से कहा कि मैं सूरत जाकर अपने अंकल की तरह बनना चाहता हूँ, डायमंड का काम सीखना चाहता हूँ। इनके पिताजी भी मान गए और फिर जेब में 12 रुपये लेकर ये सीधा सूरत निकल गए। वहाँ पर रहकर इन्होंने अपने अंकल की कंपनी में काम किया। भले ही इनके अंकल बहुत रईस थे, कंपनी के मालिक थे, लेकिन इन्होंने कई सालों तक वहाँ पर मजदूरी का काम किया, और मजदूरों के साथ काम करते करते इन्हें इतना समझ में आ गया कि भाई साहब, कर्मचारी कैसे काम करते हैं, कम पैसों में ये कैसे सेटिस्फाई रहते हैं, और इसी वजह से आज ये अपने कर्मचारियों के लिए इतना कुछ कर पाते हैं। अब साव जी कई सालों तक काम करते रहे, लेकिन इन्हें इतना पता था कि ये जीवन भर इस तरह का काम तो नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, इसलिए 1984 में इन्होंने अपने दो भाइयों के साथ डायमंड पॉलिशिंग का काम शुरू किया। अब ये मार्केट में बिल्कुल नए नए थे, लोग इन्हें जानते नहीं थे, इसलिए इन्हें ऑर्डर्स भी बहुत कम मिलते थे, और ऊपर से सूरत का मार्केट एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट था। लेकिन इन्होंने फिर कभी हार नहीं मानी, ये धीरे धीरे काम करते रहे, और फिर वो वक्त आया जब इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोल दी। 1952 में इन्होंने अपनी कंपनी खोली, जिसका नाम रखा हरी कृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। बस ये वो दिन था और आज का दिन है, इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में इनकी कंपनी ने 400 करोड़ का टर्नओवर दिखाया था, लेकिन इसकी वजह से ये लाइमलाइट में नहीं आए, बल्कि लाइमलाइट में तब आए जब इन्होंने 2014 में अपने कर्मचारियों को ऐसे तोहफे दिए जो इतिहास में भारत में किसी भी प्राइवेट कंपनी ने अपने कर्मचारियों को नहीं दिए। 2014 में इन्होंने अपने कर्मचारियों को 200 अपार्टमेंट गिफ्ट में दिए, 491 लग्जरी गाड़ियां दी, 525 डायमंड ज्वेलरी दी, और इसके साथ साथ बाकी कर्मचारी भी खाली हाथ नहीं रहे, कुछ ना कुछ उन्हें भी मिला। इस वजह से ये न्यूज़ की हेडलाइन बन गई। इसके बाद इन्होंने फिर से अपना इतिहास दोहराया। 2016 में इन्होंने फिर से अपने कर्मचारियों को इससे भी ज़्यादा ढेर सारे गिफ्ट बांटे, और इसी वजह से लोग इन्हें आज जानते हैं। लेकिन इनका एक किस्सा भी है, इनके परिवार से जुड़ा हुआ है, और इस किस्से को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। इनके बेटे हैं ध्रव्या, और अपने बेटे को इन्होंने वो सीख दी जो हर एक माता पिता को देनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने अपने बेटे को US से MBA करवाया, और इसके बाद जब इनके साहबजादे भारत वापस आए तब इन्होंने 3 जोड़ी कपड़े अपने बेटे को दिए, और उसके बाद उनसे कहा कि भाई साहब, आप केरला चले जाइए, केरला में जाकर काम ढूंढिए और वहाँ पर काम करिए, आपको घर की तरफ से कोई मदद नहीं दी जाएगी। अब जाहिर है, कोई अमीर बाप की औलाद ये सब सुनेगा तो शायद भड़क जाएगा, लेकिन ध्रव्या ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने पिता की बात मानी, जेब में कुछ पैसे लिए, 3 जोड़ी कपड़े लिए और सीधा निकल गए केरला। और केरला वो पहली बार जा रहे थे, आज से पहले उन्होंने कभी केरला नहीं देखा था। केरला में रहकर इनके बेटे ध्रव्या ने काम करना शुरू किया।
कुछ साल पहले एनडीटीवी के एक रिपोर्टर ने जब उन्हें फॉलो किया तब पाया कि वो एक छोटी सी दुकान में मजदूरी का काम कर रहे थे। लेकिन हाल ही में साव जी ने अपने बेटे द्रव्या को वापस बुलाया और अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। साव जी की एक और खास बात है, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनको सुनने के लिए हजारों की भीड़ जमा होती है और इनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, साव जी ढोलकिया की ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अगर आप और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही कहानी हम बनाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।